बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर कैडेट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज मेहरान खान शेख, एमएससी पाकिस्तान स्टडीज, लेक्चरर कैडेट कॉलेज पनू आखिर। लेक्चर नंबर 9, क्लास 8, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, चैप्टर नंबर 8। डियर कैडेट्स, टुडे दिस इज द लास्ट लेक्चर रिलेटेड टू द चैप्टर नंबर 8, एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू कवर द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, एंड इन माय दिस लेक्चर दिस द होल चैप्टर ऑफ 8 विल बी कंप्लीटेड इंशाल्लाह। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉपिक ऑफ कायदे आजम मोहम्मद अली जिनाह 14 पॉइंट्स। ठीक है, कायदे आजम प्रोड्यूस्ड हिज 14 पॉइंट्स इन रिस्पॉन्स टू द नेहरू रिपोर्ट इन 1929। कायदे आजम मोहम्मद अली जिनाह ने बेटा अपने 14 पॉइंट्स दिए थे 1929 में, लेकिन क्यों दिए थे, किसके रिएक्शन में दिए थे, किसके रिजल्ट में दिए थे, उससे एक साल पहले 1929 से पहले नेहरू रिपोर्ट आई थी, जो कि आई थी 1928 में। उसमें मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिशर्स का चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए तमाम की तमाम पार्टीज की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, और उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि हम तमाम जो भी नेशंस हैं, जो भी ग्रुप्स हैं इंडिया के अंदर, उन सबको इकट्ठा करके किस तरह का हम फ्यूचर में इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, इसके बारे में हम प्रपोजल्स देंगे, और उसमें तमाम के तमाम जो नेशंस होंगी या ग्रुप्स होंगे उनका एग्रीमेंट शामिल होगा। ठीक है, तो कायदे से मोहम्मद अली जिना ने कुछ अपने प्रपोजल रखे थे जो कि मुसलमानों की डिमांड थी। नेहरू रिपोर्ट में वो सारी डिमांड्स मुसलमानों की रद्द कर दी गई थी, उनकी डिमांड्स को पूरा एक्सेप्ट नहीं किया गया था, जिसकी वजह से कायदे आजम नाराज होके उन्होंने रिएक्शन में, नेहरू रिपोर्ट के रिएक्शन में उन्होंने एक चीज देख ली कि कहा जाता है तारीख के अंदर कि व्हेन द नेहरू रिपोर्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड, कायदे आजम रिएक्टेड वेरी स्ट्रॉन्गली ऑन द नेहरू रिपोर्ट एंड ही सेड नाउ इट इज अ पार्टिंग ऑफ वेज, यानी दोनों के, हिंदूज और मुसलमान कभी एक नहीं हो सकते, और उन दोनों के पार्टिंग ऑफ वेज है, यानी कि उनके रास्ते टूट गए हैं। इंडिया का रास्ता अलग है, मुसलमान हिंदुओं का रास्ता अलग है, मुसलमानों का रास्ता अलग है, यानी हिंदू अपने रास्ते जाए, मुसलमान अपने रास्ते जाए। तो बेटा ये था इसका बैकग्राउंड। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने जिन 14 पॉइंट का जिक्र किया है उनमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कुछ मैं आपसे डिस्कस करता चलूंगा। सबसे पहले था अवॉर्डिंग पावर्स टू प्रोविंसेस, या कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि जो फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, पॉइंट नंबर 1 एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फ्यूचर का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसकी नेचर फेडरल होगी। ठीक है, फेडरल का मतलब ये है कि दो, एक स्टेट के अंदर दो किस्म की हुकूमतें होंगी, एक वफाक होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जैसे कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद, और फिर उसके साथ साथ प्रोविंशियल हुकूमत भी होंगी, जिस तरह से सिंध की हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत है, बलोचिस्तान की हुकूमत है। ठीक है, तो पहले पॉइंट में क्या था कि फ्यूचर का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसकी नेचर फेडरल होगी, और प्रोविंसेस को रेजिडुअल पावर्स, यानी बाकी जो पावर्स है वो प्रोविंसेस को दी जाएंगी, कुछ पावर फेडरल रखेगा, बाकी पावर्स रेजिडुअल पावर्स यानी एक्स्ट्रा पावर जो है वो प्रोविंसेस को दी जाएगी। सेकेंड पावर था ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस, बेटा प्रोविंसेस को भी आजादी हासिल होगी कि वो अपनी फैसले खुद कर सके, ऑटोनॉमी होगी, आजादी होगी, इंडिपेंडेंस होगी, आजादी होगी उनको कि अपने फैसले खुद ले सके। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिनोरिटीज, बेटा मिनोरिटीज को भी ये हक हासिल होगा कि उनको, उनकी भी नुमाइंदगी का ख्याल रखा जाएगा, उनकी भी रिप्रेजेंटेशन रखी जाएगी प्रोविंसेस में। ठीक है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी का ख्याल रखा जाएगा, मेजोरिटी की रिप्रेजेंटेशन होगी, बल्कि मिनोरिटीज को भी रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा क्या था, मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन जो मरकज में होगी यानी वफाक में होगी, सेंट्रल लेजिस्लेचर यानी सेंट्रल जो लॉ मेकिंग बॉडी होगी, सेंट्रल लेजिस्लेचर कहते हैं लॉ मेकिंग बॉडी को, वो बॉडी, वो जगह जहां पे कानून बनाए जाए, तो वफाक के अंदर जो, यानी वफाक यानी सेंट्रल, सेंट्रल के अंदर जो लेजिस्लेचर होगा उसमें मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन कितनी होगी, 1/3 से कम नहीं होगी। फिर सेपरेट इलेक्टोरेट, मुसलमानों की जो डिमांड थी, जो मुसलमान काफी अरसे से कहते आ रहे थे, इसमें कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना ने क्लियरली क्लियर कट कह दिया कि राइट ऑफ सेपरेट सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों की डिमांड है, और उसको जरूर बरकरार रखा जाए या रखा जाना चाहिए। टेरिटोरियल रिडिस्ट्रीब्यूशन, उन्होंने कहा कि एनी रीजनल रीएलोकेशन डेट मे रिक्वायर एट एनी पॉइंट शैल नॉट इन्फ्लुएंस द मुस्लिम मेजोरिटी इन प्रोविंसेस ऑफ एनडब्ल्यूएफपी पंजाब एंड बंगाल। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में अगर
सरहदों को, टेरिटरीज को दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े तो उनको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि मुसलमानों की मेजोरिटी उससे खराब ना हो। NWFP पंजाब और बंगाल, क्योंकि उसमें मुसलमानों की मेजोरिटी थी, उन्होंने कहा अगर इनको आपको तरमीम भी करना पड़े, इनकी लैंड छोटी या बड़ी करनी पड़े, तो इस तरह कीजिएगा की जाए कि उसकी जो है मुसलमानों की मेजोरिटी उसमें डिस्टर्ब ना हो। फिर क्या था सातवां पॉइंट, रिलीजियस फ्रीडम, यानी कि तमाम के तमाम ग्रुप्स को रिलीजियस फ्रीडम हासिल हो। क्राइटेरिया फॉर पासिंग द रेजोल्यूशन, उन्होंने कहा जब भी आपको कोई रेजोल्यूशन पास करना हो, ठीक है, कोई बिल पास करना हो, तो उसमें 3/4, ठीक है, 3/4 मेंबर्स जो है किसी भी ग्रुप के, जिनके खिलाफ या जिनके बारे में कोई भी रेजोल्यूशन या बिल पास किया जा रहा है, तो उनकी उसमें एग्रीमेंट शामिल होना चाहिए। अगर 3/4 लोग किसी ग्रुप के एग्री नहीं होंगे उस बिल पे या उस रेजोल्यूशन पे जो फैसला लिया जाएगा, तो वो बिल पास नहीं हो सकता। सेपरेशन ऑफ सिंध, बेटा ये कहा गया पॉइंट नंबर 9 में कि बेटा सिंध और बॉम्बे पहले एक थे, सिंध को बॉम्बे की प्रेसिडेंसी यानी बॉम्बे से अलग कर दिया जाएगा, उसको सूबे का इख्तियार दिया जाएगा। इसी तरह रिफॉर्म्स इन बलूचिस्तान एंड NWFP, बेटा कुछ तर्मीम में कुछ रिफॉर्म्स लाई जाएंगी बलूचिस्तान में भी और NWFP में भी। उसके बाद अप्रोप्रिएट शेयर ऑफ मुस्लिम्स, बेटा मुसलमानों को शेयर दिया जाएगा, ठीक है, रिसोर्सेज में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारी रिसोर्सेज हिंदूज ले जाएंगे, बल्कि मुसलमानों को भी रिसोर्सेज में शेयर दिया जाएगा। इसी तरह के बेटा यही इंपॉर्टेंट, मुसलमानों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनकी एजुकेशन, उनकी लैंग्वेज, उनके रिलीजन, तमाम की तमाम चीजों को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो थी वो 14 पॉइंट्स कैसा थी, उसमें 14 पॉइंट्स जो है मुसलमानों की डिमांड जो थी, बेसिकली 14 पॉइंट्स में कादी आजम ने समराइज किया और उनको एक्सप्लेन किया। कांग्रेस पार्टी एंड हिंदू स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज एंड रिजेक्टेड जिनास पॉइंट, जवाहरलाल नेहरू रिगार्डेड देम एज रेटिकुलस 14 पॉइंट्स ऑफ जिना, इट्स अल्टीमेटली प्रॉम्प्टेड जिना टू एस्टेब्लिश पाकिस्तान। कायदे आजम मोहम्मद अली जिना की ये 14 पॉइंट्स देख के नेहरू खुश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने उसको तनकीद की, क्रिटिसाइज किया, और जिसकी वजह से कायदे आजम मजबूर हो गए कि उन्होंने कोशिश की अब कि पाकिस्तान बना के ही रहना है, एक अलग रियासत बना के ही रहना है हमने। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ 14 पॉइंट्स जिना वाज आस्क्ड टू अटेंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वेयर ही वाज प्रेजेंटेड द मुस्लिम पर्सपेक्टिव ऑन मिडनाइट ऑन 31 दिसंबर। कांग्रेस मूव्ड टू रिवर रावी एंड जवाहरलाल नेहरू एलिवेटेड अ फ्लैग सेइंग लॉन्ग लिव लिव रेवोल्यूशन। इसका बेटा कोई इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि 14 पॉइंट्स के बाद फिर एक नई डेवलपमेंट होती है तारीख के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, वो क्या थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसको उर्दू में कहते हैं गोल मेज कॉन्फ्रेंस, ठीक है। यानी 14 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे पाकिस्तान की तारीख के हिसाब से, क्योंकि मुसलमानों की जो डिमांड थी कादी आजम ने उनको समराइज करके 14 पॉइंट पे बयान कर दिया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो कि कांग्रेस के लीडर थे, हिंदूज के लीडर थे, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी थी। फिर 1930 में ही हम देखते हैं अलामा इकबाल की बात आ जाती है। अलामा मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से 1930 के अंदर एक अपना एड्रेस किया, एक खिताब किया मुसलमानों से। उन्होंने क्या कहा उसमें, इकबाल आउटलाइंड अ विजन ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। वो इलाके इंडिया के यानी नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जिसको कहते हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जिसमें मुसलमानों की मेजोरिटी है, उसके बारे में अलामा इकबाल ने कहा कि यहाँ पे जो है एक अलग रियासत बनेगी, एक इंडिपेंडेंट रियासत बनेगी जो कि मुसलमानों के मेजोरिटी प्रोविंसेस की इलाके में बनेगी और मुसलमानों के लिए अलग रियासत होगी। उसके बाद क्या हुआ कि रिवाइटलाइजेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, यानी कि दोबारा से स्ट्रॉन्ग बना, री का मतलब दोबारा, अगेन वाइटलाइजेशन मतलब दोबारा स्ट्रॉन्ग बनना, किसका, मुस्लिम लीग का। जब हमने देखा कि 1937 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का इवेंट होता है और जो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादती करते हैं, एक तो मुसलमानों को हुकूमत का हिस्सा नहीं बनाते बल्कि उसके साथ साथ दूसरी ज्यादतियां करते हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रांग बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। तमाम के तमाम मुसलमानों के जो ग्रुप्स जो डिवाइडेड थे डिफरेंट पार्टीज में, वो मिलकर एक हो जाते हैं मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म में आके एक बन जाते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि हमें अभी ये वक्त आ गया है कि हमें एक अलग रियासत बनाए, वरना हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, ठीक है बेटा। साथ ही साथ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज में हुआ क्या था, बेसिकली वो ये हुआ था कि एक नेशनल सॉन्ग था, एक कौमी सॉन्ग था, तराना था, किनका, मुस्लिम हिंदूज का, जिसको कहते हैं वंदे मातरम, उसको बहुत ही ज्यादा जो है वो नेशनल सॉन्ग के तौर पर इस्तेमाल करते थे, और उसको जो है बहुत ज्यादा मुसलमानों को भी, मुसलमानों के सामने गाते थे, जो कि मुसलमानों के मजहबी सेंटिमेंट रिलीजियस फीलिंग्स के अगेंस्ट है। और हिंदी वॉज डिक्लेयर ऑफिशियल, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया, हिंदी को किस तरह का स्टेटस दिया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया,
उर्दू जो थी उस वक्त कॉमन लैंग्वेज थी, लेकिन उर्दू को हटा के हिंदी को ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश की गई। स्कूल्स में आइडल कहते हैं बुद्ध को, आइडल्स यानी बुद्ध को, बुतों की पूजा करवाना शुरू कर दी। मुसलमानों से भी गांधी की तस्वीर के आगे झुकने का कहा गया। मुसलमानों बच्चों को मस्जिदों के सामने म्यूजिक चला दिया जाता था, ठीक है। उसके अलावा वर्ल्ड, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो कांग्रेस ने डिमांड किया, ठीक है, कांग्रेस डिमांडेड इंडिया बी डिक्लेयर्ड एज एज ए सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट। कांग्रेस ने डिमांड की ब्रिटिशर से कि हम अब इंडिया को सेपरेट कर दें, ठीक है, एक अलग रियासत बना दें, ठीक है। लेकिन जब उसकी डिमांड अंग्रेजों ने नहीं मानी तो कांग्रेस को ये कहा गया कि आप जो, उन्होंने क्या किया, अपनी वहां से जो है वो अपनी मिनिस्ट्री से 2 साल के बाद क्या किया, रिजाइन करना शुरू कर दिया। इससे मुसलमानों को एक साइन ऑफ रिलीफ मिला, मुसलमानों बड़े खुश हुए उस चीज से, यानी मुसलमान जो है वो आजाद हो गए हिंदुओं की जो जुल्म को ज्यादती थी उससे, तो मुसलमान बड़ा इससे खुश हुए। इसको मुसलमान आजादी के दिन के तौर पर मनाते हैं, जिसको कहते हैं डे ऑफ डिलीवरेंस, यानी मुसलमानों को निजात मिली, सुकून मिला। कब? दिसंबर। इसका बेटा, इसकी जो डेट है वो ये है, इसको कहते हैं दिसंबर 22, 1939, ठीक है बेटा। साथ ही चलते हैं, पाकिस्तान रेजोल्यूशन फिर आता है, ठीक है, और पाकिस्तान रेजोल्यूशन में भी कादिर मोहम्मद अली जिन्ना आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को आगे बढ़ाते हुए, आगे रखते हुए वही बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में क्या होगा, एक मुसलमानों का एक गोल बन गया है, एक ऑब्जेक्टिव बन गया है कि मुसलमान अपने लिए एक अलग रियासत बनाएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ कादिर मोहम्मद अली जिन्ना ने तमाम लोगों को इकट्ठा किया और उनसे अपना जो खिताब करते हुए 1940 में इस बात का अजम लिया मुसलमानों से कि हम एक अलग रियासत बनाएंगे। उसके बाद अनाउंसमेंट हुई, अनाउंसमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इन फरवरी 1947, यानी कि 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में ने भी अनाउंस कर दिया कि इंडिया को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, यानी सब कॉन्टिनेंट 2 हिस्सों में तकसीम होगा। जब पाकिस्तान आजाद हो गया तो उसके इनिशियल प्रॉब्लम्स बहुत सारे थे, उनमें से कुछ का मैंने जिक्र किया है, आप लोग जो है उसको सुने। सबसे पहले तो कुछ इलाके ऐसे थे जिनकी बाउंड्री को डिस्ट्रीब्यूट करना एक प्रॉब्लम था, जैसे पाकिस्तान बनने के बाद भी पंजाब और बंगाल के ऐसे प्रोविंसेस थे जिनको डिवाइड करना एक प्रॉब्लम अपनी जगह पे था। क्यों? क्योंकि वहां पे मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे, बंगाल में भी मुसलमान और हिंदू दोनों थे, पंजाब में भी मुसलमान और हिंदू दोनों थे। तो इन्हें बाउंड्री डिमार्केशन कौन से इलाकों को जो है वो मुसलमानों को दिया जाए और कौन से इलाकों को हिंदुओं को दिया जाए, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था अपनी जगह। तो इस प्रॉब्लम को हल करना एक इशू था अपनी जगह, ये इतना आसान प्रॉब्लम नहीं था कि ये खुद ही हल हो जाए, ठीक है। साथ ही साथ कश्मीर का स्टेट प्रिंसली स्टेट्स थी, जैसे कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। आपको पता है कश्मीर का मसला तो अभी तक हल नहीं हुआ, लेकिन स्टेट ऑफ जूनागढ़ और हैदराबाद जो है वो इंडिया ने फोर्सफुली अपने कब्जे में ले ली है। साथ साथ रिफ्यूजीज का प्रॉब्लम था, जो पनागीर लोग थे जो इंडिया को छोड़कर मुसलमान पाकिस्तान आ रहे थे, उनके लिए सेटलमेंट करनी थी, ये भी एक प्रॉब्लम था। फिर ट्रांसफर ऑफ फंड, जो पाकिस्तान का हिस्सा था, फंड्स थे, ठीक है, कैपिटल था पाकिस्तान का, यानी कि पाकिस्तान के जो फंड्स थे इंडिया के पास, उनको ट्रांसफर भी करना था क्योंकि पाकिस्तान को वो अपने शेयर भी पूरा नहीं मिला। साथ ही साथ जो है आर्मी को किस तरह से डिवाइड किया जाए, ये भी एक प्रॉब्लम था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के पास नहीं था, लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी प्रॉब्लम था। गवर्नमेंट मशीनरी यानी गवर्नमेंट के ऑफिसेज हमारे पास नहीं थे, नई बिल्डिंग्स बनानी थी, ठीक है, उन ताकि गवर्नमेंट हमारी चल सके, ऑफिसेज चाहिए थे हमें। वाटर डिस्प्यूट यानी पानी का भी मसला था, ये सारे के सारे प्रॉब्लम पाकिस्तान को फेस करने पड़े थे। फिर पाकिस्तान के बाउंड्री डिस्प्यूट भी थे इंडिया के साथ और अफगानिस्तान के साथ, यानी पाकिस्तान जब आजाद हुआ तो उसके नेबर्स में, उसके बॉर्डर के साथ जो 2 कंट्री थे उनके साथ पाकिस्तान की लड़ाई थी, यानी पाकिस्तान की जो है वो फ्रेंडली रिलेशन नहीं थे, तो ये भी एक पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम था। और फाइनली जब पाकिस्तान बन गया तो उसके बाद कुछ ही अरसे तक कादिर मोहम्मद अली जिन्ना इनिशियल प्रॉब्लम को फेस करते रहे। उसके बाद आखिरकार 11th of September 1948 में कादिर मोहम्मद अली जिन्ना की वफात हो गई। बेटा इस तरह से हमारा ये चैप्टर नंबर 8, ठीक है, कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए, और उस वो जो है चैप्टर 9 से रिलेटेड होगी हमारी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ ऑल, अल्लाह हाफिज़।